आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी पानी पूरी की पूरी बनाने जा रहे हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कहीं कहीं इसे गोलगप्पा, कहीं पुचका, कहीं पानी पूरी, तो छत्तीसगढ़ में इसे गुपचुप कहा जाता है। तो चलिए ये क्रिस्पी पानी पूरी की पूरी बनाना शुरू करते हैं। जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें 4 टेबल स्पून गेहूँ का आटा ले लेंगे, 1 टेबल स्पून मैदा ले लेंगे, 1 टेबल स्पून सूजी ले लेंगे और चुटकी भर खाने का सोडा ले लेंगे, इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। अब इन सभी सामग्रियों को सूखे में ही पहले मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे सख्त आटा गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है और सख्त आटा गूंद लेना है। अब इस आटे को अच्छे से गूंद लेना है, ऐसे ही हमें टाइट डो बना लेना है। अब इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर रख देना है। 15 से 20 मिनट हो चुका है, अब इसे बहुत ही अच्छे से मसलना है, आटा को बहुत ही अच्छे से इसे गूंदना है ताकि ये बहुत ही चिकना हो जाए। ये देखिए मैं कैसे गूंद रही हूँ, ऐसे ही हमें गूंद लेना है। अब थोड़ा सा तेल हाथों में लेकर इसे और एक बार गूंद लेना है। आटा को मसल मसल कर बहुत ही अच्छे से इसे गूंदना है ताकि हमारी पूरियाँ बहुत ही क्रंची बने। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से गूंद चुका है। अब इसे 2 भागों में बांट लेंगे। इसे मैं 2 भागों में बांटकर लोई बना ली हूँ। अब एक लोई को बेल लेना है और दूसरे लोई को ढककर रख देना है ताकि ये सूखे ना। गोलगप्पा की पूरियों को रखने के लिए यहाँ पर मैं प्लास्टिक का शीट ली हूँ, इसे में हम बेलकर रखेंगे। अब इस लोई को बहुत ही अच्छे से बहुत पतला बेलना है, इसमें आटा डस्ट नहीं करना है। ये देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा पतला बेली हूँ, ऐसे ही इसे बेल लेना है। पूरियाँ काटने के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा ग्लास ली हूँ, आप ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं सभी पूरियों को ऐसे ही कट कर ली हूँ और बाकी जो आटा है उसे हम दोबारा यूज़ कर लेंगे। अब सभी पूरियों को इस प्लास्टिक के शीट में ऐसे अरेंज करके रख देंगे। सभी पूरियों को अरेंज करने के बाद कॉटन के कपड़े में इसे ढककर रख देंगे ताकि हमारी पूरियां सूखे ना। अब सभी आटा को ऐसे ही पूरियां बना लेना है और इसमें रख देना है और फिर से इसे ढककर रख देना है। सभी गोलगप्पा को हम बेलकर अरेंज कर रख दिए हैं। अब इसे वापस कॉटन के कपड़े में ढककर रख देंगे। इसे 10 मिनट तक ढककर रख देना है। गोलगप्पा की पूरियों को सेकने के लिए यहाँ पर मैं गैस ऑन करके तेल चढ़ा दी हूँ। अब इसे बहुत ही अच्छे से गर्म होने देते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये देखिए ये पूरियाँ 10 मिनट हो चुका है। अब जो फर्स्ट वाला जो बेले थे उसे हम, ये देखिए ऐसे हमें उठा लेना है और इसे हम पलट कर हाथों में रख लेंगे। ये देखिए हल्का सा सूख चुका है ऊपर से और अंदर से थोड़ा सा नमी है। अब इसे दोबारा ढककर रख देंगे। अब जो नमी वाला साइड है उसे हम तेल में डाल देंगे। इसे हाई फ्लेम में ही तलना है। हाई फ्लेम में डालने के बाद इसे बीच में लो फ्लेम कर लेना है और पलट पलट कर इसे सेक लेना है। इसे लाइट ब्राउन होने तक इसे पलट पलट कर सेक लेना है। लगातार इसे पलट पलट कर सेक लेना है। ये देखिए ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और एक छन्नी में इसे निकाल कर अलग रख देंगे। आप चाहे तो एक एक करके भी इसे डाल सकते हैं और लगातार इसे पलट पलट कर सेक लेना है। फूली फूली पानी पूरी के लिए इसे हमें पलट पलट कर सेक लेना है ताकि दोनों तरफ ये बहुत ही अच्छे से फूल जाए। अब इसे हम निकाल लेंगे एक छन्नी में। बाकी पूरियों को भी ऐसे ही सेक लेना है। ये देखिए डालते ही पूरा गोलगप्पा फूलकर तैयार हो जाता है
अब इसे हम पलट पलट कर इसे भी निकाल लेंगे। तेल को थोड़ा झटने देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, है ना बहुत ही फूला फूला, है ना बहुत ही क्रंची। सभी गोलगप्पे बनकर तैयार हैं। ये देखिए, इस टोकरी में मैं फूला हुआ रखी हूँ और जो नहीं फूला है उसे मैं प्लेट में रखी हूँ। ये भले ही नहीं फूला है लेकिन ये बहुत ही क्रंची बना है। ये देखिए, है ना बहुत ही क्रंची। ये जितना अच्छा क्रंची बना है उतना ही टेस्ट में बहुत ही टेस्टी लगेगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। मैं एक एक पानी पूरी को तोड़कर दिखाती हूँ कि सभी पानी पूरी की पूरियाँ सभी बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।